पंकज उपाध्याय पल पल की जानकारी आप सभी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं। पंकज, साफ तौर पर राणा दंपति को हमने सुना, नवनीत राणा हो, उनके पति रवि राणा हो, कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे और ऐलान कर चुके हैं, उसका हम पालन करेंगे, नीचे उतरेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे और आरोपों की बौछार कर दी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से। पंकज, पंकज आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शिव सैनिकों का यह बवाल जो है, मुंबई पुलिस लाचार अभी नजर आ रही है और रवि राणा कह रहे हैं कि हमें घर में ही जबरन रोक दिया जा रहा है और कल तक बैरिकेडिंग लगाई गई थी और क्या वजह है कि आज एकाएक तोड़ दिया गया, किसी के आदेश पर, किसी के इशारे पर तोड़ा गया है, क्योंकि सत्ता उनके हाथों में है लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, हम थमने वाले नहीं है। शक्ति का, पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से, ये रवि राणा विधायक उन्होंने कहा है। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि घर के बाहर शिव सैनिक गुंडागर्दी कर रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं, बजरंगबली की ताकत हमारे साथ है, ये राणा दंपत्ति कह रहे हैं, नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा। हमें घर में जबरन रोका जा रहा है, हम यहां पर हनुमान चालीसा पाठ करने की इजाजत लेने आए थे, वो हमें नहीं दी गई लेकिन हम जाएंगे। और यह भी दावा किया गया कि नीचे बेशक वहां पर शिव सैनिक उत्पात मचा रहे हो लेकिन हम जाएंगे। पंकज का रुख करते हैं, पंकज उपाध्याय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पंकज, हम सुन रहे थे राणा दंपत्ति को, नवनीत राणा भी और रवि राणा भी कहते हैं कि हम ऐलान कर चुके हैं तो हम जाएंगे और पालन करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि सत्ता का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से। पंकज, बिल्कुल हम समझ सकते हैं, चूंकि वहां पर बहुत शोर शराबा है, बहुत हजारों की संख्या में वहां पर शिव सैनिक कार्यकर्ता हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, चूंकि वहां पर आवाज पंकज तक नहीं जा रही है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वहां की गतिविधियां आप सभी दर्शकों तक साझा करें, क्योंकि नवनीत राणा के घर पर शिव सैनिकों का यह धावा है, घर के भीतर राणा दंपत्ति मौजूद। अभी आप सभी दर्शकों तक हमने पहुंचाया कि नवनीत राणा ने क्या कहा और रवि राणा ने क्या कहा, बाहर शिव सैनिकों का बवाल जारी है। एक बार फिर से पंकज का हम रुख करते हैं। पंकज, साफ तौर पर दो बातें, एक तरफ तो नीचे शिव सैनिकों का जमावड़ा है, वो कह रहे हैं कि हम राणा दंपत्ति को नीचे नहीं आने देंगे और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत नहीं होगी, दूसरी तरफ राणा दंपत्ति कह रहे हैं कि हमने चैलेंज दिया है और हम जाएंगे और पालन करेंगे, हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और साथ ही आरोपों की भी बौछार कि वहां की सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है। क्या गतिविधियां, क्या तस्वीर? देखिए, इसका सवाल जो अभी राणा दंपति ने कहा है, इसका सवाल, इस सवाल का जवाब तो शिवसैनिक ही दे सकते हैं। राणा दंपति का कहना है कि जो उद्धव सरकार है वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या उनका कहना है बैरिकेड तोड़ दिए? क्या जो मुंबई पुलिस है वो दबाव में है उद्धव ठाकरे के? मुंबई पुलिस बिल्कुल दबाव में नहीं है। हाँ। हमने भी फटके खाए हैं। हाँ। हमने भी फटके खाए और फटके खा के चांद पे खेल के हम लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ। ये उद्धव साहब की सेना है। हाँ। ये सरकार पुलिस वाले हमको बहुत रोकने की कोशिश की है। हाँ। उसके बाद भी हम चांद पे खेल के यहाँ पे आए हैं। तो हमारे 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 तीर्थ स्वरूप हमारे नेताओं के तीर्थस्थ नेताओं के खिलाफ कोई ऐसी बयाबाजी करे और हम चुप रहे, हमने हाथ में चुटकी नहीं पहनी है। राणा दंपति बार बार ये कह रहे हैं कि किसी के इशारे पर, मुख्यमंत्री के आदेश पर ही भेजा गया है इन शिव सैनिकों को, तो क्या ये खुद आए हैं या इनको भेजा गया है, जरा ये भी पूछ लीजिए, क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है। नहीं, देखिए, अब देखिए, ये तो शिव सैनिक है, ये तमाम जितने यहाँ पर आपको समर्थक नजर आ रहे हैं जिन्होंने भगवा उठाया हुआ है, ये तमाम शिव सैनिक हैं और ये कल से ही मातोश्री के सामने जमे हुए हैं। अब सिर्फ यहाँ पर समर्थक ही मौजूद नहीं है, शिव सैनिक ही मौजूद नहीं है, लेकिन जितने मुंबई में जितने भी तमाम नोन फेस हैं शिवसेना के, वो मुंबई में मातोश्री के आगे मौजूद थे। आज यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से भारी संख्या में शिव सैनिक मौजूद हैं। अभी यहाँ पर जिस तरीके से कन्फ्रंटेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी साइड यहां पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। शिव सैनिकों ने जहां पर एक तरफ कहा है कि वो किसी भी कीमत पर नवनीत राणा को घर से निकलकर मातोश्री में जाने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने अपना जो डिमांड है, शिव सैनिकों ने जो अपनी डिमांड थी वो एक आगे बढ़ाई और कहा कि अब शिव सैनिकों को आश्वासन चाहिए, कि वो आश्वासन दें कि वो मुंबई छोड़कर अमरावती जा रही है। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से राणा दंपत्ति भी
टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब उनका कहना है कि उन्होंने जो चैलेंज दिया है उस चैलेंज को वो पूरा करेंगी, हर कीमत पे हनुमान चालीसा का पाठ होगा, यानी हनुमान चालीसा की जो राजनीति है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और ग्राउंड जीरो पर जो तनावपूर्ण स्थिति थी वो बनी ही हुई है। हालांकि कुछ देर पहले शिव सैनिक शांत जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन रह रहकर शिव सैनिकों में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो बढ़ जाता है और फिर वो मेन गेट पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुंबई पुलिस का यहाँ पर और प्लेन क्लोज में भी जो मुंबई पुलिस है उनका काफी जवाब, पंकज ऐसे में सुरक्षा बलों की संख्या मुंबई पुलिस ने पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई है क्या? क्योंकि वहां पर तो सुबह चूंकि खालीपन था, ऐलान जरूर किया गया था कि 9 बजे हम नीचे उतरेंगे और पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का, लेकिन हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में क्या पुलिसकर्मियों की भी संख्या इस हालात को देखते हुए बढ़ाई गई है? मैं आपको सुरक्षा के बारे में जानकारी देता हूं, लेकिन सबसे पहले जहां पर शिवसैनिक यहां पर मौजूद है मैं उनसे भी दो तीन रिएक्शन ले लेता हूं। यहां पर वो लोग तो झुकने के लिए तैयार नहीं, उनका कहना जो चैलेंज दिया है ना वो से हर कीमत पर पूरा करेंगे और आप आश्वासन, हर चैलेंज को स्वीकार करता है और आज तक जिन्होंने चैलेंज किया है उनकी क्या गत हुई ये सब जानते हैं। आप पे आरोप लगाया जा रहा है, शिव सैनिकों पे आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जितने लोग रहते हैं आप उनको असुविधा में डाल रहे हैं और ये कहना है कि बैरिकेड तोड़ के आप लोग अंदर आ गए, यानी क्या मुंबई पुलिस भी उद्धव ठाकरे जी के इशारों पर काम कर रही है, आप पर आरोप लग रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं साहब, आप जो देख रहे हैं ये जब से अमरावती से है छुप के इधर मुंबई आ गए और मुंबई आने के बाद आप देख रहे हैं जो तरह से वो अभी भी उन्होंने आह्वान चालू किया है, जो उनके कार्यकर्ता आने थे उन्होंने एक दिन बोलने का 600 आ रहे हैं, फिर बोले हमने कैंसिल कर दिया, अभी बोलेंगे हमको शिवसैनिकों ने समाधान कैसे निकलेगा, इसका समाधान कैसे निकले, तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। नहीं, समाधान तो क्या, तनावपूर्ण परिस्थिति नहीं है, उन्होंने स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट देना चालू किया और स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट आ रहे हैं, चैलेंज के ऊपर चैलेंज आ रहा है, तो समाधान कैसे निकलेगा? सर, हमारे श्रद्धा स्थान के ऊपर कोई चैलेंज करेगा तो उसको हम शांति से नहीं सुन सकते, हम शिवसैनिक है। शिवसेना को अभी तक चैलेंज देने वाला पैदा नहीं हुआ है। मुंबई में कहावत है हनुमान बना के छोड़ेंगे, नवनीत राणा बोलते हैं कि मैं मुंबई की बहू हूँ, तो रवि राणा हमारे जमाई हुए वो उनका स्वागत हनुमान बना के उनको अमरावती छोड़ने के लिए शिवसैनिक है। अब मैं थोड़ा सा सुरक्षा यहाँ पर कैसी है वो दर्शकों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर शिव सैनिक जमा है वहां पर तो मुंबई पुलिस का मैं जमावड़ा देख ही रहा हूँ, क्योंकि एक घेरा बना दिया है मुंबई पुलिस ने। अब दूसरी तरफ जहाँ पर हम सुबह खड़े थे, जहाँ पर से मेन एक्टिविटी शुरू हुई, यानी जहाँ से बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, अभी वहां पर क्या हाल है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। एक बार बैरिकेडिंग मुझे दूर नजर आ रही है, वहां पर बैरिकेडिंग एक बार फिर से कर दी गई है। मुंबई पुलिस की अलग अलग कंपनीज देखिए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, स्टेट पुलिस फोर्स की यहाँ पर मुझे एडिशनल कंपनी यहां पर नजर आ रही है। हालांकि आम जनता जो इस रास्ते से गुजर रही है उन्हें रोका नहीं जा रहा है और दूर अगर आप देख पा रहे हैं तो जो बैरिकेड जो तोड़े गए थे वो एक बार फिर से लगा दिए गए हैं, यानी जो एक्शन है, जो सीन ऑफ एक्शन है वो अब कंसंट्रेटेड है। अब वो कंसंट्रेटेड है कहां पे, राणा दंपति के घर के नीचे। अच्छी बात फिलहाल यह है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है, लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल मेंटेन है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने यहां पर एक जो पुलिस ह्यूमन चेन बनाई हुई है वो किसी भी शिव सैनिक को बिल्डिंग के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दे रही है। कुछ देर पहले हमने ये भी देखा कि कई ऐसे लोकल पदाधिकारी हैं शिवसेना के जिन्होंने यहाँ पर शिवसैनिकों को, उग्र शिवसैनिकों को यहाँ पर शांत करने की कोशिश करी है और उनसे कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा बार बार थोड़ी थोड़ी देर में जो उग्र शिव सैनिक है वो आग बबूला हो उठते हैं। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहे हैं, 5 तस्वीरें दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, इसके बारे में जरा बता दें क्योंकि शिव सैनिकों का हंगामा लगातार जारी है। जहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तस्वीरें दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, घर में घुसने की कोशिश, राणा दंपत्ति के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े शिव सैनिक, वो तस्वीरें आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। पुलिस का नाकाफी इंतजाम क्योंकि हजारों की संख्या में शिव सैनिक पहुंचते हैं राणा दंपत्ति के घर के नीचे, जमकर नारेबाजी, जमकर बवाल, सियासी तापमान अपने चरम पर। और वहीं अगली तस्वीर, महिला कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है शिव सैनिकों की तरफ से।